नमस्कार। तो MBBS 2022 एडमिशन प्रोसेस स्पेशली इंडिया चालू है। जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया, नीट फॉर्म खुल चुका है। तो दैट वाज द फर्स्ट न्यूज। नीट फॉर्म के खुलते ही इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया, जो कि पहले 30 अप्रैल लास्ट डेट थी, बढ़ के 31 मई कर दी गई है। और दूसरा, केरला स्टेट ने अपना रजिस्ट्रेशन करा। और तीसरा जो काम एडवांस में हो रहा है वो है CMC वेल्लूर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर ने भी अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। देखिए, मैं हमेशा लोगों से ये कहता हूँ, खासकर जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं या अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे, कि वी ऑलवेज हैव टू बी केयरफुल। हर साल चीजें बदलती हैं। CMC वेल्लूर और केरला बड़े कंसिस्टेंट है। और फिर से अगर मैं CMC वेल्लूर के बारे में आपको एक्सप्लेन करूं, तो आप जो पुराना वीडियोस देख सकते हैं लास्ट ईयर के इसी टाइम के, आप ढूंढ सकते हैं सर्च पे। क्विकली बताऊंगा बस, ये एक टेक्निकली एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। जिस तरह CMC लुधियाना है, इस तरह ये भी एक स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। अब स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में क्या फर्क होता है, आप इस चैनल के वीडियोस पुराने देख सकते हैं, दोबारा समय नहीं खराब करूंगा। तो इंडिया में दो तरह के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एक डीम्ड यूनिवर्सिटीज काइंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर आती है, और एक स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस। सो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज टेक्निकली तमिलनाडु का स्टेट प्राइवेट कॉलेज है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको तमिलनाडु काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना होगा, जब भी वो स्टार्ट होगी, नीट का रिजल्ट आने से पहले या बाद में। लेकिन पूरी इंडिया में एकमात्र कॉलेज जो कि अपना फॉर्म भरवाता है वो है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर। 50,000 रुपये साल की इसकी सिर्फ फीस है, ट्यूशन फी। हॉस्टल प्लस कॉलेज मिला के आपका पूरा का जो पूरा कोर्स है वो 10 लाख के अंदर हो जाता है। और इस कॉलेज की इतनी रेपुटेशन है कि मैं शायद ये तो नहीं कहूंगा कि एम्स दिल्ली छोड़ के लोग इस कॉलेज में जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट सीट छोड़ के भी लोग इस कॉलेज में जाते हैं। तो ये इस कॉलेज की रेपुटेशन है, बहुत उमदा पढ़ाई है, जो कि वेल्लूर तमिलनाडु में है, फिर भी बहुत ज्यादा रिकमेंडेड। और काफी नॉर्थ के लोग आप सुनते होंगे, अगर आपको लाइफ थ्रेटनिंग कोई डिजीज है, कैंसर वगैरह, तो आप यहाँ पर इलाज कराने जाते हैं, भी काफी सब्सिडाइज कॉस्ट पे यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन इलाज होता है। कैसे फॉर्म भरना है, आप मेरे बैकग्राउंड में देखिए, जो कि वेबसाइट है एडमिशंस admissions.cmcvellore.ac.in के मैं होम पेज पे हूँ, ठीक है। इस होम पेज पे आपको यहाँ नजर आएगा ग्रुप ए अंडरग्रेड डिग्री कोर्सेज, आप इसको क्लिक करेंगे, ये स्क्रीन खुल गई है। एंटर नीट स्कोर, एंटर TN मैनेजमेंट कोटा रैंक, ये सब बाद की बात है। जब नीट का रिजल्ट आता है तो CMC बेलूर एक प्रॉपर प्रोसेस है। अभी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, फिर आप जब नीट का स्कोर आ जाएगा वो अपलोड करोगे। CMC बेलूर के लिए अगर आप तमिलनाडु के बाहर के बच्चे हैं, तो आपको एक एलिजिबिलिटी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है डॉक्टर MGI यूनिवर्सिटी का। वो बीच में कभी खुलेगा अगले 3 महीनों में, वो भी आप CMC वेल्लूर भेजेंगे। एक बार जब आप तमिलनाडु का से वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ले लेंगे, जो भी ऑनलाइन मिल जाता है, कुछ 1,000 रुपये फीस होती है, फिर आप फाइनली तमिलनाडु काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना। ये होम पेज है, इसमें देखिए ये इनका MBBS का ब्रोशर है। क्विकली वी विल गो थ्रू इट, ये डाउनलोड नहीं हो पाता है, ऐसे आता है, वरना मैं आपको दिखा देता। और जितना पॉसिबल होगा उतना मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत नॉमिनल फीस लेने वाले हैं अभी। ऑफ कोर्स हम सभी जानते हैं, कोई एडमिशन एजेंट एजेंसी के थ्रू नहीं होना, नीट का स्कोर कार्ड है ही। 2 मई से फॉर्म खुल चुका। देखिए, मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, मेरी फ्रेंकली लास्ट सीजन खत्म हुआ है, कह सकते थोड़ा आराम कर रहा था। जो लोग हमारे क्लाइंट ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, मतलब जो हमारी पेड सर्विस 2022 के लिए ले चुके हैं, और वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 30 स्टूडेंट्स, उनको तो मैंने ब्रॉडकास्ट मैडम मेथड से बता दिया था। ये अब एक जनता के लिए मैं बना रहा हूँ, काफी टाइम है अभी। तो जो लोग मिस भी कर रहे हैं, 3 जून तक खुला हुआ है इसका ऑनलाइन सबमिशन। और मैनल्टी का अलग है, जैसा आया ये सब टू बी अनाउंस्ड है, राइट। कोई जल्दी नहीं है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, टोटल 100 सीटें होती हैं CMC वेल्लूर में।
जिसमें 74 सीटें हैं वो अपना रिजर्वेशन है। क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के लिए 10 सीटें हैं टीएमसी में लू स्टाफ कोटा, 16 सीटें हैं जो कि पूरी इंडिया के लिए होती हैं, उसके अंदर भी एक सीट है सेंट्रल पूल स्कीम, 3 सीटें SC ST और 12 सीटें होती हैं जो जनरल होती हैं, बट इन 12 का कट ऑफ आप हमेशा मान के चलिए 610 620 के ऊपर ही जाता है। जी हाँ, ओके। एलिजिबिलिटी जो भी नीट का एलिजिबल है उसमें एलिजिबल है, उसमें ज्यादा आपको समय लगाने की जरूरत नहीं है, जो भी नीट का फॉर्म भर रहा है वो भर सकते हो। जैसा मैंने कहा अभी आपने भरना है 800 जमा 500, 1300 रुपये आपके खर्च होंगे अभी ये फॉर्म भरने में। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ ठीक है, देखिए चाव रहता है सबको, खासकर जो स्टूडेंट होते हैं, पर आपको अपने बच्चे का पता होता है, खासकर जो ड्रॉप कर रहा है, तो आपके बच्चे के लास्ट ईयर 200 250 मार्क्स आए थे, 600 नंबर आने की उम्मीद नहीं है, तो आप ये 1300 रुपीज का फॉर्म भरने की मेहनत मत कीजिए, लेकिन आपको उम्मीद रखनी है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ही पेमेंट हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही बात है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर रखिए, सारी इन्फॉर्मेशन है वो उसमें आएगी, उन चीजों का भी ध्यान रखना है। फिर वही आता है कि आपको सेम ऑनलाइन फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, पेज नंबर 6 में क्लियरली मेंशन है 1 फरवरी के बाद की लुई फोटोग्राफ, 80 KB साइज JPG, 150 by 150 हो, क्लियरली मेंशन है कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, लाइट बैकग्राउंड, सिग्नेचर का बोला है 50 KB से अंडर होना चाहिए, 150 by 50, राइट। तो आपको खाली दो डॉक्यूमेंट लगेंगे अभी, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, राइट। उसके बाद आप ऑनलाइन फी पे कर सकते हैं, जब आप पेमेंट कर देंगे आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, जो भी आपको मिलेगा एक ही बार डालिए, दो बार मत डालिएगा, ठीक है। और हमने कहा ना ये सब बाद में आएगा, तो इसके भी कोई टेंशन नहीं है आपको, इसीलिए ध्यान रखना है कि सेम से बिलो रहना, ये बहुत आलसी है, कुछ नहीं बताएंगे। ये देखिए जो मैंने आपको जिक्र किया था एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, आपने अगर तमिलनाडु से बाहर से क्लास 12th करी है तो आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फ्रॉम डॉक्टर एमजे मेडिकल यूनिवर्सिटी, और उसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, ओके। पर ये पहले करना है, लास्ट तक वेट नहीं करना है। उसका जो इसके बारे में एक वीडियो मैंने डाल रखा है अपने चैनल पे कि ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, तो वह वो आप ले सकते हैं, ठीक है। कोई इंटरव्यू कुछ नहीं है, बिल्कुल नीट के स्कोर पे एडमिशन होगा। तो ये पेज नंबर 8 में सारी जानकारी है, प्रोसेस वैसे ही चलेगी, नीट का रिजल्ट आएगा, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद जब आप तमिलनाडु का फॉर्म भर देंगे स्टेट कोटा से वाला, तमिलनाडु पहुंचने स्टार्ट होगी, आपको एक रैंक मिलती है, रैंक को आप अपलोड करेंगे, ओके। जब तमिलनाडु का फॉर्म भरेंगे ना स्टेट कोटा से, तो आपको एक तमिलनाडु स्टेट रैंक मिलती है, जो भी लोग फॉर्म भरते हैं वो आप डालेंगे, राइट। फिर माइनॉरिटी नेटवर्क के बारे में है, जो लोग क्रिश्चियन कोटा लेना चाहते हैं, दिल्ली या साउथ में मिलता है, तो इसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि क्रिश्चियंस आर नॉट लुकिंग एट दिस वीडियो, ये उनके अलावा है, और जब एडमिशन आ जाएगा तो उसका ब्रोशर है। तो बहुत ज़्यादा जो मैंने आपको फीस का बताया था, जैसे ये टोटल ट्यूशन फीस होती है, ठीक है ना, लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं वो 6,000 रुपये पर मंथ, खाना पीना सब मिला के, विच इज रफली अबाउट 70,000 पर ईयर, तो मैं 1,20,000, 10 भी ज़्यादा बोल रहा था, 5.5 लाख में हो जाती है, और कुछ गवर्नमेंट कॉलेज की आजकल भी फीस 1,00,000 रुपए साल की हो गई है, राइट। तो उसकी तो 52,000 ही है, और मैंने बोला जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो ये है आपका सब्सक्रिप्शंस के लिए, बाकी जो भी एफिडेविट वगैरह है हमें अभी कुछ नहीं करना है। कैंडिडेट 74 सीटें हैं, वो आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, इस पूरे ब्रोशर को, एक तरह से मान के चलिए मैं नॉन क्रिश्चियंस के लिए वीडियो है, क्रिश्चियंस वेल मेरे क्लाइंट भी बहुत कमी होते हैं, और काम काम में दूसरे लोगों को करने की क्या जरूरत है, ठीक है। ये है, इसे बंद कर देंगे,
यहीं पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन आ गया और यहाँ से आप आनंद लेंगे और आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार टाइम लगाता है बट जल्दी ही खुल जाएगा। इस लिंक से आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ओके, कोई सेपरेट टेस्ट नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पेपर देना है अलग से। वही जो हमने आपसे कहा था, फोटोग्राफ और सिग्नेचर रेडी रखने हैं और 500 रुपीज फीस है रुपये में किसी भी कोर्स की, और पहले ये 800 रुपीज जनरल ले रहे हैं। देखिए पर्पस क्या है कि आप सीएम सिविल रूम में जाके बीएससी नर्सिंग में पढ़ सकते हैं, तो पहले आप 800 रुपये देंगे और फिर 500 रुपये पर कोर्स। तो अगर आप एमबीबीएस के अलावा बीएससी नर्सिंग में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो सब आप कर सकते हैं, सबका क्राइटेरिया एक्सेट्रा सब अलग है, और ये आप अप्लाई ऑनलाइन करके प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये है सीएमसी वेल्लूर का पूरा हिसाब किताब, और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं सबको वही सजेशन दे रहा हूँ कि लोग हमसे फोन करके पूछते हैं सर आपका पैकेज कितना है, और मैं हमेशा यही कहता हूँ, इस वीडियो में दोबारा मैं आपको समझाता हूँ, हमारा देखिए कुछ फिक्स नहीं है। वेरी फ्रेंकली अगर आपके 640-650 मार्क्स आ गए और हमें मालूम है कि आपकी गवर्नमेंट सीट कंफर्म है, हम जानते हैं नहीं, गवर्नमेंट सीट दो तरीके से मिलती है, या एमसीसी काउंसलिंग से जिसमें आप ऑल इंडिया कोटा या सेंट्रल ऑफिस के थ्रू जाते हैं, या आप अपने स्टेट कोटा के थ्रू जाते हैं, तो स्टेट ही काउंसलिंग होते हैं। तीसरा वेरी फ्रेंकली लोग सीएम से वेलूर के लिए ट्राई मारते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर सीट्स। अब इसके अलावा जिसमें 640 मार्क्स है, मैं उसको देखा नहीं है कि वो प्राइवेट की सीट लेगा, तो हमको आपको गाइड करना या आपके लिए अपना दिमाग लगाना काफी कम हो जाता है। तो देन अवर फीस इज टोटल 30,000 रुपीज टू हेल्प यू। अगर आपके 400-500 मार्क्स आ गए हैं प्राइवेट कॉलेज में और आप चाहते हो कि जिस स्टेट में मैं रहता हूँ बस वहीं की सीट दिला दो, इज अगेन वेरी सिंपल वर्क फॉर अस वेरी फ्रेंकली। वीजा आप चाहते हो कि मेरे को बेस्ट सीट मिले, जिसके लिए हम आपको 5-6 आपकी काउंसलिंग कराएं, ड्यून में भी शायद पार्टिसिपेट करें, 5-6 स्टेट में करें, तो फिर हमारी फीस कुछ 60-70 हज़ार रुपये हो जाती है। और कुछ 220 मार्क्स वाले भी होते हैं कि सर कैसे भी सीट दिला दो, उनके लिए हमें 15-15 जगह फॉर्म भरना पड़ता है, और हमें पूरी कोशिश करते हैं कि आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट खराब ना हो, जो राउंड टू में देने पड़ते हैं और यूपी में राउंड वन में देना पड़ता है, शायद हमारा चार्ज 1.5 लाख हो जाता है। तो राइट नाउ जब तक आपके पास नीट का स्कोर नहीं है, ना हम आपसे 30K लेंगे, ना 70 लेंगे, ना 1.5 लाख लेंगे, हम 10,000 रुपीज फिलहाल ले रहे हैं हर स्टूडेंट से जो हमारे साथ जुड़ रहा है, जिसमें हम उनको आगे सारी जानकारी देते रहेंगे, गाइडेंस देते रहेंगे नीट का स्कोर आने तक, चाहे वो ऑफिशियल रिजल्ट या जो बच्चा नीट पेपर देकर आएगा। और जो आपको लगता है कि आपका स्कोर आने वाला है और आपको क्या चाहिए, मैं आपके साथ 15 मिनट बात करूंगा और डिसाइड हो जाएगा कि आपकी एस्पिरेशन क्या है। मैंने कहा ना क्या चाहिए आपको, प्राइवेट कॉलेज, आप यूपी के रहने वाले, आप कहते सर हमें यूपी में ही पढ़ा दो, चाहे हमें हल्का कॉलेज मिले, हमें यूपी के बाहर नहीं जाना, तो आपने मेरा काम काफी कम कर दिया। बजाय इसके कि आपके नंबर 400 आए और आप चाहते हो कि मुझे बेस्ट सीट मिले, तो हिमाचल भी हम भरे, हरियाणा भी भरे, उत्तराखंड भी भरे, यूपी भी भरे, छत्तीसगढ़ भी भरे, कर्नाटक केरला तो चलो 500 नंबर है, अब जैसे किसी के 550 है वो तो हमसे 6-6 फॉर्म भरवाते हैं, कर्नाटका भी भरवाते हैं, केरला भी भरवाते हैं, छत्तीसगढ़ भी भरवाते हैं, अपना होम स्टेट भी भरवाते हैं, यूपी के रहने वाले हैं तो जी शारदा भी कोशिश कर लेते हैं, आप समझ रहे बात को, तो काम काफी बढ़ जाता है ना, और हम चाहते हैं कि आपका काम अच्छे से हो और आपका कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट खराब ना हो, आपके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तो हमारे चार्जेस उस हिसाब से हो जाते हैं। तो कोई फिक्स पैकेज नहीं है हमारा, डिपेंड्स अपॉन सारी एमबीपीएस इंडिया की काउंसलिंग गाइडेंस मैं खुद करता हूँ आपके साथ, मेरी टीम जरूर हेल्प करती है मुझे, लेकिन आप कभी शायद मेरे किसी टीम मेंबर से बात भी नहीं करते हैं, इंटरेक्ट भी नहीं करते हैं, सारी इंप्रेशन मुझसे होती है, उसके हिसाब से हमारे चार्जेस हैं। फिलहाल आप 10,000 रुपीज दे सकते हैं, ताकि अब से लेके नीट रिजल्ट आने तक आपको हम मिस ना कर जाए। आपकी शायद आप वैसे काफी सुनने वालों को पता ही नहीं होगा कि सीएम से ब्लूर का फॉर्म निकल चुका है, या केरला स्टेट का फॉर्म ऑलरेडी निकल चुका है, या इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकल चुका है दिल्ली डोमिसाइल के बच्चों के लिए खासकर, और या आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के लिए जो एलिजिबल है, नीट तो खैर निकला ही, उसके अलावा फिलहाल अभी कुछ बड़ा चीज नहीं निकली है। तो खैर ये रजिस्ट्रेशन था, आप करना शुरू करेंगे और करके आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो, और अगर आप हमारी काउंसलिंग पैकेज लेना चाहते हैं 9643362320 पे कॉल कीजिए, हम
हमारा ऑल इंडिया हेल्पलाइन, कोशिश करके 10 to 7 के बीच में कॉल कीजिए कीजिए, रात को 11 11 बजे मत किया कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।